हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल आपका यूट्यूब चैनल बायनेटा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने बायनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में TGT बायोलॉजी 2010 का जो प्रीवियस पेपर है उसका 62 क्वेश्चन मैंने सोल्व करा था विद एक्सप्लेनेशन। उसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए थे TGT बायोलॉजी 2010 के 63 से लेकर 125 क्वेश्चन तक, तो वो मैं आज इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ, विद एक्सप्लेनेशन कराने जा रहा हूँ। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, प्रीवियस पेपर आपको करना ज़रूरी है। तो चलते हैं हम इस वीडियो में TGT बायोलॉजी 2010 के 63rd क्वेश्चन पर। और 63rd क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 63rd क्वेश्चन ये है कि हर्कोगैमी इज़ फाउंड इन, हर्कोगैमी गिवन ऑप्शन में से किसमें होती है। तो पहले आपको हर्कोगैमी के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। बेसिकली हर्कोगैमी इज़ अ डिवाइस विच प्रिवेंट्स द सेल्फ पोलिनेशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये एक ऐसा डिवाइस बन जाता है प्लांट में एंथर और स्टिग्मा के बीच में, जो स्व परागण की क्रिया यानी सेल्फ पोलिनेशन को होने नहीं देता है। तो किसको प्रमोट करता है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। तो इट प्रमोट्स द क्रॉस पोलिनेशन बट इट प्रिवेंट्स द सेल्फ पोलिनेशन। तो दिस टाइप या दिस स्पेसिफिक सपोर्टिंग डिवाइस इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी। और ऐसे केसेस आपने कुछ नाम भी सुने होंगे, जैसे कि एक नाम सुना होगा आपने ट्रांसलेटर एपरेटस या पोलिनिया का बन जाना एंथर और स्टिग्मा के बीच में। तो कैलोट्रोपिस में ऐसे केसेस देखे गए हैं, दो फैमिली में ऐसे केस ज़्यादातर देखे गए हैं, SLPDAC और ORCHIDACEE। ORCHIDACEE फैमिली का मेंबर ऑर्किड है और SLPDAC का मेंबर कैलोट्रोपिस है, जिसको मदार या आँख या आँखा या आँखी भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। नंबर क्वेश्चन नंबर 64 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल शोज। तो क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल क्या इनमें से बताता है गिवन ऑप्शन में से। बेसिकली न्यूसेलस की अमाउंट के बेस पर ओव्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक हम कहते हैं क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल और एक हम कहते हैं टेनोई न्यूसिलेट ओव्यूल। जो क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल होता है उसमें न्यूसेलस वेल डेवलप होता है, मल्टीलेट तक हो जाता है, डेंस क्वांटिटी या अमाउंट वाला हो जाता है। बट जब न्यूसेलस बेचारा रह जाता है या थिन वॉल्ड रह जाता है, थिन लेयर रह जाता है, बहुत ही कम डेवलप हो जाता है, लेस डेवलप हो जाता है, तो उस टाइप के न्यूसेलस कंटेनिंग ओव्यूल को हम टेनोई न्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन वेल डेवलप दिया हुआ है कि क्रेसी न्यूसिलेट किसे कहते हैं, तो वेल डेवलप्ड ओव्यूल को हम वेल डेवलप्ड न्यूसेलस कंटेनिंग ओव्यूल को हम क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65th क्वेश्चन। क्या कहता है कि द फ्रॉन्ड इज अ, आपने देखा होगा जो टेरिडोफाइट फर्न होते हैं उनमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी लीव्स होती है, तो उन लार्ज साइज एरियल लीव्स को हम फ्रॉन्ड्स बोलते हैं। तो फर्न में बड़े अच्छे से कई देखे जाते हैं, साइकस में भी ऐसी टाइप की लीव देखी गई है। तो फर्न में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि आपने सुना हुआ टेरिडियम टेरिस ड्राइव टेरिस, तो उनको फ्रॉन्ट्स बोला जाता है उन लार्ज मॉडिफाइड एरियल लीव्स को। तो इसलिए ये किसको बोलेंगे, फ्रॉन्ट लीव को बोला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा
लीव, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है। तो 66 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द इंसेक्ट विच लेज एग्स इन वाटर, पानी में, इनमें से गिवन ऑप्शन में से कोई इंसेक्ट अपने एग्स को ले कर देता है, लेइंग कर देता है, उनको छोड़ देता है पानी के अंदर, तो इनमें से कौन है? गिवन ऑप्शन में से बटरफ्लाई दिया है, हाउस फ्लाई दिया है, ड्रैगन फ्लाई दिया है और सैंड फ्लाई दिया है। बटरफ्लाई के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, हाउस फ्लाई आप जानते हैं। ड्रैगन फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो एनाइसोप्टेरा है और ये मोस्टली फ्रेश वाटर के आसपास में मिलती है। इसको डेविल्स एरो भी कहते हैं, इसको डेविल्स एरो भी कहते हैं क्योंकि रोमेनियन वर्ड डेविल का मतलब होता है ड्रैग और वहाँ से यह नाम आया है ड्रैगन फ्लाई। तो ये कॉपुलेशन एयर में करती है बट जो एग्स को ले करती है ये वाटर में करती है। तो यही आंसर इसका राइट हो जाएगा, क्या? ड्रैगन फ्लाई इसका आंसर राइट हो जाएगा। बाकी एक फोर्थ ऑप्शन अभी आपका दिया है सैंड फ्लाई, उसको सैंड फ्लाई को हम फ्लीबोटोमस कहते हैं साइंटिफिकली और आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि ये कालाजार डिजीज़ को कोज करता है और जिस स्पेसिफिक प्रोटोजोन के लिए ये कैरियर का काम करती है फ्लाई, उस प्रोटोजोन का नाम है लिस्मानिया डोनोवनी। तो इसी की वजह से एक कालाजार डिजीज़ कोज हो जाती है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज नॉट पॉइजनस, गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्नेक है जो पॉइजनस नहीं है। इसका मतलब तीन इनमें से पॉइजनस है, तो माइंड में रखना है आपको KVC, K से क्रेट, V से वाइपर और C से कोबरा, ये तीनों ही क्या है? पॉइजनिंग, तीनों ही क्या है? पॉइजनिंग डक्ट कंटेनिंग स्नेक्स है, ये सभी पॉइजनस है। लेकिन पाइथन जिसको हम अजगर भी कहते हैं ये पॉइजनस नहीं होता, इसमें कोई पॉइजनस डक्ट या ग्लैंड नहीं होती। तो हम किस आंसर को टिक करेंगे? हम सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68th है। क्या कहता है? इन बीज वेगल डांस इज मेंट फॉर, मधुमक्खी के अंदर जो वेगल डांस होता है, टेल वेगल डांस बोलते हैं इसे, तो वो किस पर्पज के लिए होता है? ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है बीज में कि वो दुश्मन से बचने के लिए या खाने के सोर्स के लिए वो डांसिंग एक्टिविटी के थ्रू कम्युनिकेट करती है अपने बीज मेंबर्स से। तो वह यहाँ पर जो टेल वेगल डांस यहाँ पर कम्युनिकेट करता है वो किस पर्पज़ के लिए करता है? विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड। किस पर्पज़ के लिए करेगा? विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको एक बात बता देता हूँ यहीं पर कि जो यहाँ पर टेल वेगलिंग डांस की बात चल रही थी, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर जब सोर्स ऑफ फूड होता है तो उसके लिए टेल वेगलिंग डांस किया जाता है ना, दूर वाली कंडीशन में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 69th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और 69th क्वेश्चन आपका क्या कहता है? बबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड थ्रू, बबोनिक प्लेग गिवन ऑप्शन में से किसके थ्रू फैलता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 69th क्वेश्चन। तो 69th क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है, जीनोपसिला चियोपसिस पेडिकुलस ह्यूमन ह्यूमनस ग्लोसिनिया पेलपेलिस एडिस एगिप्टी। तो आपको अच्छे से पता है कि जो आपका एडिज मॉस्किटो होते हैं वो डेंगू फीवर को कोज करते हैं और जो ग्लोसिनिया पेपिलिस होता है आपको इसके बारे में पता है, ट्रिपनोसोमा एक डिजीज़ आपने सुना होगा सीसी फ्लाई से जो होता है तो उसके थ्रू होता है। और आप यहाँ पर जो जीनोपसिला चियोपसिस है एक रेट फ्लू है, पिस्सू है जो चूहे के ऊपर रहता है, इस पिस्सू के द्वारा ही एक बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? यर्सिनिया पेस्टिस। तो एक पिस्सू नाम यहाँ पर दिया है रेड फ्लीप, तो रेड फ्लीप दैट इज जीनोपसिला चियोपसिस इसका आंसर राइट होना चाहिए। और किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है ये भी ध्यान रखेंगे, यर्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस, दोनों नाम एक ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? काला आजार एंड ओरिएंटल सोर आर डिजीज स्प्रेड बाय, किसके थ्रू काला आजार डिजीज स्प्रेड होती है, फैलती है,
तो अभी कुछ देर पहले भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, ऐसा मेरे को याद आ रहा है। मैंने बोला था कि सैंड फ्लाई को हम फ्लीबोटोमस फ्लाई भी कहते हैं, ये उसका साइंटिफिक नेम है। ये कालाजार डिजीज को कोज करता है, ये लिस्मानिया डोनोवनी का कैरियर है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, सैंड फ्लाई हमारा आंसर राइट हो जाएगा। बाकी के बारे में भी आपको जानकारी है, हाउस फ्लाई के बारे में आप जानते हैं, है ना। ड्रैगन फ्लाई के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको, है ना, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कोज कर सकता है। तो और ग्रास ऊपर्स के बारे में आप जानते हैं, वो ग्रास ऊपर्स जो बेसिकली ऑर्थोपोड्स में आते हैं ये भी। तो यहाँ पर बात हो रही थी कालाजार किससे फैलेगा, तो सैंड फ्लाई इसका आंसर राइट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 71 क्वेश्चन आपके सामने आता है, और 71 क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ अ मैन वीकेंस। अगर आदमी की मेमोरी कम होने लग जाए, वीक होने लग जाए, तो इसका मतलब हमें क्या समझ लेना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स हमारी बॉडी का इंजर्ड है। तो इनमें से कौन सा पार्ट इंजर्ड होता है जिसकी वजह से हम ये समझे कि मेमोरी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगी है, वीक होने लगी है। तो 72 क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है, तो आपको एक बात अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी का पार्ट जिसको आप सेरिब्रम कहते हैं, जिसको आप सेरिब्रम कहते हैं बेसिकली, उसमें जो भी मेमोरीज होती है, जो भी मेमोरीज होती है उसमें सेरिब्रम के अंदर, उसकी सभी सेंसरी इन्फॉर्मेशन उसी के अंदर होती है जो इंटरप्रेटेड करता है। तो मेमोरीज आर स्टोर्ड इन द सेरिब्रम। अगर ये पार्ट डैमेज हो जाए तो मेमोरीज बहुत वीक होना शुरू हो जाती है, तो सेरिब्रम अफेक्टेड होगा इसका मतलब। तो हमारा आंसर के राइट क्या हो जाएगा, सेरिब्रम आंसर राइट हो जाएगा, समझे हैं, सेरिब्रम आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किससे गवर्न होता है गिवन ऑप्शन में से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका आंसर राइट हो जाएगा। आप जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है रिफ्लेक्स एक्शन को गवर्न करता है विद स्पाइनल कॉर्ड, तो आंसर ही राइट होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन मेनली सर्व्स फॉर, गिवन ऑप्शन में से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या टारगेट है, क्या फंक्शन है, किस कार्य को अंजाम देता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। तो आपको अच्छे से बताया कि पैरामीशियम में या अमीबा के अंदर या अदर प्रोटोजोन्स के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फाउंड होती है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो मेन फंक्शन होता है वो ओस्मो रेगुलेशन होता है, या ओस्मोसिस को रेगुलेट करता है। आपको ये भी पता है कि प्रोटोजोन पैरामीशियम के अंदर दो टाइप की वैक्यूल होती है, एक एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। उसमें से भी जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो ज़्यादा फास्टर होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है उसकी रेट कंपेरेटिवली एंटीरियर। तो लेकिन यहाँ पर फंक्शन के बारे में डिस्कशन करना है, तो फंक्शन क्या है, ओस्मो रेगुलेशन है। क्या है फंक्शन, ओस्मो रेगुलेशन। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओस्मो रेगुलेशन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 74th क्वेश्चन हमारा है क्या, एलिफेंटेसिस और फाइलेरियासिस डिजीज इज, एलिफेंटेसिस और फाइलेरियासिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय। तो किसके थ्रू फाइलेरियासिस डिजीज कोज होती है या एलिफेंटियासिस डिजीज कोज हो जाती है, तो 74 क्वेश्चन हमारा ये कहता है। आप जानते हैं कि एक मॉस्किटो होता है फीमेल क्यूलेक्स, इस मच्छर से इसका नाम है क्यूलेक्स इंसेफेलाइटिस, इट कोजिज फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस डिजीज, इसी से फैलता है। एक्चुअली में ये जो फीमेल क्यूलेक्स है, मॉस्किटो है, ये एक निमेटोड को हमारी बॉडी के अंदर इंड्यूस कर देता है, यानी ये कैरियर की तरह काम करता है। ये जो फीमेल क्यूलेक्स है एक कैरियर की तरह काम कर रहा है, और जिस निमेटोड को ये इंड्यूस करता है, एक वर्म है वूचेरेरिया बैंक्रोप्टी, यूचेरेरिया बैंक्रोप्टी एक निमेटोड है, फाइलम निमेटोड का ये एनिमल है। इट कॉजेज लिम्फेटिक फाइलेरिसिस विच कोज डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू बाइटिंग ऑफ द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इस मच्छर के काटने से फीमेल वाले से फैलेगा, ध्यान रखना है, फीमेल मॉस्किटो जो क्यूलेक्स है उसकी बाइटिंग से ये चेरेरिया जो है इंड्यूस हो जाएगा, और इसके थ्रू फिर हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्टेड होगा,
उसे फाइलेरियासिस डिजीज़ हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप समझ गए हैं क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मॉस्किटो। और कभी कभी वहाँ पर पूछ लेता है कि कौन सा मॉस्किटो है, तो फीमेल क्योलेक्स इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75th क्वेश्चन है। 75th क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन नेमेटोसिस्ट ओ हाइड्रा। दैट मीन्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाइड्रा जो सिलेंट्रेट है उसके उसकी बॉडी में जो नेमेटोसिस्ट होता है, तो नेमेटोसिस्ट से एक स्पेसिफिक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, जहरीला होता है और डिफेंस का काम करता है, तो उसका नाम क्या है। तो सबको पता है हीपेरिन एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को ईजी करती है, कम्फर्ट करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करने वाली प्रोटीन होती है। तो हिप्नोटॉक्सिन एक ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस है जो इनके नेमेटोसिस्ट से रिलीज आउट होता है और इनके लिए डिफेंस का काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन। मतलब जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से पूछा है कि जिनमें कि इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम में इनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिल रहा है, ऐसा कौन सा इनमें से मेंबर है, कौन सा एनिमल है जिसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलता ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखना है कि जो 76 क्वेश्चन में होलोब्लास्टिक क्लीवेज आपका दिया है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज एम्फीऑक्सस या लैंसिलेट में मिलता है, इसको ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं या एम्फीऑक्सस भी कहते हैं। इसमें होलोब्लास्टिक बट इक्वल क्लीवेज मिलता है। जब मैं फ्रॉग की बातें करता हूँ तो फ्रॉग में होलोब्लास्टिक तो मिलता है बट अनइक्वल टाइप का मिलता है क्लीवेज, तो उसका मतलब ये भी आंसर राइट नहीं हो सकता। वो पूछा है कि जिसमें नहीं मिलता है, अगर हम चिक की बात करें तो चिक में होलोब्लास्टिक ना मिलकर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज टाइप मिलता है। जो बर्ड्स है या चिक है उसमें क्या मिलता है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मिलता है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा आपका, तो क्या ठीक हो जाएगा, चिक ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्डन मेयरहोफ पाथवे रिप्रेजेंट्स। ये एम्डन मेयरहोफ पाथवे क्या है भैया, अरे आपने सुना होगा ये एम्डन मेयरहोफ पाथवेस क्या है, ये EMP पाथवे कहलाता है। इसको ग्लाइकोलाइसिस भी हम कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इन विच वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द टू मोलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड कार्बन थ्री कंटेनिंग कंपाउंड्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से पाइरूविक एसिड बनता है। तो आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्या स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूविक एसिड। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमने, है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ग्लाइकोलाइसिस को ही एम्डन मेयरहोफ पाथवे पाथवे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 78 क्वेश्चन हमारा आता है आपके सामने। क्वेश्चन ये कहता है, लाइसोजोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोजोम्स गिवन ऑप्शन में से किन ऑर्गेनेल से बना है। आपको अच्छे से पता है कि एक GERL सिस्टम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या दिया है कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से क्या बनता है, RER बनता है। RER से SER क्रिएट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और SER की कुछ स्पेसिफिक वेसिकल्स गोल्जी बॉडी को बनाने का काम करती है। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन सिक्रेशन होता है, बट कुछ ऐसे वेसिकल्स बन जाती है गोल्जी बॉडी में कि जिनमें फूड या मैक्रोमोलिक्यूल का आप कह सकते हैं कि उसका सोल्युबलाइजेशन नहीं हो पाता या वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो वही जो नॉन डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द गोल्जी बॉडी वेसिकल्स हैं उन्हीं को हम लाइसोजोम्स कहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस से ही लाइसोजोम्स का प्रोडक्शन होता है एनिमल सेल के अंदर, और लाइसोजोम्स जो होते हैं वो सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। ये बात सबको पता है, बचपन की बातें हैं बेटा। और लाइसोजोम्स के पास हाइड्रोलिटिक या प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये भी बातें आपको पता है। हमें आना है क्वेश्चन के पास में, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 79th क्वेश्चन के पास हम आगे आ चुके हैं। और 79th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एंजाइम एनहेंसेज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय। हमारे गिवन ऑप्शन में से ये बोला गया है कि एंजाइम इनमें से किस केमिकल रिएक्शन की रेट को एनहेंस करता है, अफेक्ट करता है,
अपनी फंक्शनिंग को प्रमोट करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शन पर। आप अच्छे से जानते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। ये प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं या फास्ट करते हैं, स्लो कर देते हैं केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस को। तो यहाँ पर ये लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी को एनहांस करते हैं। आंसर राइट हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा ही ये केमिकल रिएक्शन रेट को एनहांस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड द प्लेटलेट काउंट विल। काफ़ी बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं, उन्होंने एक बात सुनी है कि जो स्प्लीन होती है, जो भी एक्स्ट्रा आरबीसीज होती है या डब्ल्यूबीसीज होती है, प्लेटलेट्स होती है, वो किस में आती रहती है, प्लेटलेट्स में आती रहती है। इसको कब्रिस्तान भी बोलते हैं, आरबीसीज का कब्रिस्तान इसी को बोलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई कि स्प्लीन को रिमूव कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में अब स्प्लीन में तो कुछ जाएगा नहीं, स्प्लीन तो रिमूव हो चुका है, तो प्लेटलेट्स की नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या आना चाहिए था, 80th का आंसर आपका सेकंड होगा, यानी इंक्रीज प्लेटलेट्स काउंट विल इंक्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 81 क्वेश्चन हमारा, 81st क्वेश्चन क्या कहता है, एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीजेज। क्या कहता है एड्रेनलिन हार्मोन, किसको बढ़ाता है, अरे हार्ट बीट भी बढ़ाता है तो, वो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ाता है, तो दोनों आंसर राइट हो जाने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, तो इसी को हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट बोथ ऑफ दीज। 82 क्वेश्चन की बात हम करते हैं अब, तो 82 क्वेश्चन क्या कहता है, होमो इरेक्टस डिफर्स फ्रॉम क्रो मैग्नन मैन से होमो इरेक्टस मैन किस बात में डिफरेंट है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, हैविंग प्रोट्रूडेड जॉज, हैविंग रिसीडिंग जॉज, बीइंग एबल टू ड्रा पिक्चर ऑफ, अरे पिक्चर ऑफ एनिमल्स की बातें कहाँ जाएगी उस टाइम पर, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या है, उनका जो जॉज थे प्रोट्रूडेड थे, तो हैविंग प्रोट्रूडेड जॉ इसका आंसर राइट होना चाहिए। तो किस ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को टिक करेंगे, हैविंग प्रोट्रूडेड जॉज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 83rd क्वेश्चन है, और 83rd क्वेश्चन क्या कहता है कि योक प्लग गिवन ऑप्शन में से किसके दौरान बनता है, ये क्वेश्चन कहता है 84 क्वेश्चन। तो आपको ये बात अच्छे, सॉरी 83 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, योक प्लग फॉर्म्स ड्यूरिंग किस दौरान बनता है प्रोसेस में, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, मोरुला फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि योक प्लग फॉर्म्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, द ब्लास्टोपोर इज स्लोली रिड्यूस्ड योग प्लग स्टेज। जो योग प्लग स्टेज है वहाँ पर, जो ब्लास्टोपोर है वो स्लोली रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस कर देता है किसको, योग प्लग स्टेज को। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलर स्टेज द रीअरेंजमेंट फॉर्म्स ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर का रीअरेंजमेंट हो जाता है, थ्रू विच वाइट स्पॉट ऑफ योकी एंडोडर्मल सेल्स, इसके थ्रू एक वाइट स्पॉट योकी एंडोडर्मल सेल जो डेवलप हो जाता है, विजिबल हो जाता है, इसी विजिबल एंडोडर्मल सेल्स स्पॉट को हम योग प्लग कहते हैं। ऐसा केस हमने कहाँ पर देखा है, एम्फीबियंस में देखा है। तो योग प्लग किस दौरान जो है डेवलप होते हैं, गैस्ट्रुलेशन के दौरान डेवलप होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या, गैस्ट्रुलेशन आंसर राइट हो जाएगा, है ना। तो योग प्लग्स फॉर्म्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 84 क्वेश्चन हमारा आ रहा है, 84th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या दिया है, ब्रेन इज मेजोडर्मल, बिल्कुल गलत दिया भैया, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको तो पता है ब्रेन कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। फिर ऑप्शन क्या कहता है, स्केलेटन इज मेजोडर्मल, अरे ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, ऐसा तो बिल्कुल हमने माना है, मेजोडर्म से ही क्या होता है, मेजोडर्म से ही ओरिजिनेट होते हैं कौन, बोन्स, है ना, मसल्स, स्केलेटन सिस्टम जो स्केलेटल होता है, यूरिनरी सिस्टम्स, किडनीज, ये सब कार्टिलेज, जॉइंट्स, है ना, ये जो मैंने नाम दिए हैं। और आपने और भी सुना होगा मेजोडर्म से और क्या डेवलप हो सकता है,
मेसोडर्म से और भी बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स, किडनीज, कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट, कॉर्टेक्स, ब्लड सेल्स, है ना, यूरोनोजेनाइटल ऑर्गन्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, टेस्टिकल्स, ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक टिश्यूज, ये सभी मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। और स्केलेटन क्या है, वो भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। और लीवर इज एक्टोडर्मल, लीवर इज एक्टोडर्मल बोला है इन्होंने, ये भी गलत है, लीवर भी एक्टोडर्मल नहीं होते हैं, मैंने भी बता दिया है, मैंने भी सारी बातें समझाई आपको कि जो बेसिकली जो लीवर होता है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो करेक्ट हो जाएगा हमारा, स्केलेटन स्केलेटन इज मेसोडर्मल, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि एंडोडर्मल ओरिजिन वाले पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो मैंने बता दिया है आपसे पहले ही। एंडोडर्मल की बात करते हैं तो लंग्स ना, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गट, ये सब एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, और लीवर भी एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा 85th क्वेश्चन क्या कहता है, इन फ्रॉग ग्लोटिस इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ, फ्रॉग के अंदर जो ग्लोटिस होता है वो गिवन ऑप्शन में से किनकी मसल्स के थ्रू कंट्रोल होता है, ये क्वेश्चन कहते हैं। तो वोकल कोड दिया है, स्टर्नम दिया है, और इसमें आपका नेक्स्ट ऑप्शन एरिटिनोइड कार्टिलेज दिया है, वोकल कोड्स एंड एरिटिनोइड कार्टिलेज दिया है। तो देखिए बच्चों, एरिटिनोइड कार्टिलेज जो होता है वो फ्रॉग में ग्लोटिस को कंट्रोल करता है। जो एरिटिनोइड कार्टिलेज की मसल्स होती है वो फ्रॉग में ग्लोटिस को कंट्रोल करती है। बट जो स्टर्नम है इसमें गिवन ऑप्शन में सेकंड नंबर पर, स्टर्नम जो है फ्लैट बोन है, जो चेस्ट यानी मिडिल में जो रिब्स है उनको कनेक्ट करने का एक सोर्स है, वो कनेक्ट करता है, जॉइंट को कनेक्ट करता है, रिब्स को कनेक्ट करता है। वोकल कोड के बारे में आप जानते हैं, ये वॉइस प्रोडक्शन है। पेक्टोरल गर्डिल है वो सोल्जर बोन्स है, तो शोल्डर बोन्स का काम के फॉर्मेशन में काम आती है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, एरिटिनोइड कार्टिलेज आंसर राइट हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 86th क्वेश्चन क्या कहता है, 86th क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट वुड बी एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कोलेजन, गिवन ऑप्शन में से कोलेजन का एक्सीलेंट सोर्स कौन सा है, किन में सबसे अधिक संभावना है कोलेजन के इस्तेमाल होने की। वैसे तो आप जानते हैं कि एनिमल की बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन होता है। यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस है, जो गिवन टिश्यूज नाम दिए हैं, यहाँ पर ऑर्गन्स नाम दिए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा यूज कोलेजन का किन में होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है। तो इनमें से टेंडन ही एक ऐसा कंडीशन है, टेंडन इट इज़ वेरी डेंस स्ट्रॉन्ग फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विच मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ऐसा आप जानते हैं। ये बहुत ही डेंस स्ट्रॉन्ग फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है जो किन से बना होता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ना, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, समझे बात को। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो बायोलॉजी टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, किसने ये नाम दिया है, किसने इस नाम का परिचय दिया है सबसे पहले। तो साइंटिस्ट के नाम दिया अरिस्टोटल, लेमार्क, डार्विन, लेनियस। तो इन सभी गिवन ऑप्शन में से आपने एक नाम सुना होगा, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, इन्होंने बायोलॉजी टर्म को इस्तेमाल किया है। तो आंसर सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। लीनियस के बारे में भी आपको पता है, लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट मींस इसे हिंदी में द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। ईच नेम इज मेड ऑफ टू नेम्स, फर्स्ट नेम इज जीनस एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज। फर्स्ट नेम को हम कैपिटल लेटर से राइट करते हैं और बाकी नेक्स्ट वाले वर्ड को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। ऐसे कुछ रूल रेगुलेशंस माने गए हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, गिवन बाय लीनियस, ये उसके बारे में बातें हैं। डार्विन के बारे में आपको अच्छे से पता है,
ओरिजिन ऑफ लाइफ की बातें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बातें, सर्वाइवल फिटेस्ट की बातें, नेचुरल सिलेक्शन की बातें, है ना, ये सब बातें हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने पहले भी ऐसा आया था, ठीक है ना। और अरिस्टोटल के बारे में आपको पता है, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, है ना। अरिस्टोटल, इन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है ना। तो बायोलॉजी में इनका बहुत ही बड़ा फंक्शन है। अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ऐसा आपको पता होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 88th क्वेश्चन हमारा है, वो क्या कहता है, ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड्स आर पार्ट्स ऑफ। ये जो दो पार्ट्स के नाम दिए हैं, ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड्स, ये किन के पार्ट्स हैं। तो देखिए, आपको पता होगा जो ह्यूमन या मैमल्स की जो वर्टिब्रल रिब्स होती है वो बाई सिफेलस होती है, और सिफेल का मतलब होता है हेड्स। तो दो हेड वाली होती है, और दोनों हेड क्या है, एक ट्यूबरकुलर है और दूसरा क्या है, एक ट्यूबरकुलर है और दूसरा क्या है, दूसरा आपका नाम दिया है कैपिटुलर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिब्स। तो रिब्स आंसर को हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 है। 89 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोजोम। अरे ये बातें तो बड़ी आसान है, हम पहले भी बता चुके हैं। पहले एक क्वेश्चन आया था पोलिटिन क्रोमोजोम के ऊपर, मैंने वहीं पर बोला था कि द लार्जेस्ट क्रोमोजोम इज लैम्प ब्रश क्रोमोजोम। एक्चुअली लैम्प ब्रश क्रोमोजोम जो होता है वो कहाँ मिलता है, वो एम्फीबियंस की ओसाइट सेल्स में मिलता है। डिप्लोटीन स्टेज में इसको विजिबल किया जा सकता है अंडर द माइक्रोस्कोप, या आप देख सकते हैं इसको। तो लैम्ब्रस क्रोमोजोम्स लार्जेस्ट क्रोमोजोम की कैटेगरी में आते हैं, ये ध्यान रखना है। जो पोलिटिन क्रोमोजोम्स हैं वो इनसे छोटे क्रोमोजोम होते हैं, उनको हम बल्बियानी रिंग्स भी कहते हैं। और वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको अच्छे से पता है, सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला एंड अदर इंसेक्ट्स। और मैंने वहाँ पर बोला भी था कि सबसे पहले कीरोनोमस लार्वा में देखा गया था बाई बल्बियानी, इनको बल्बियानी रिंग्स भी कहते हैं। तो सारी बातें मैंने बता रखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहले इस क्वेश्चन का टिक करेंगे हम। तो 89 का आंसर क्या राइट होगा, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 90वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लिस्मानिया डोनोवनी। अरे ये भी बातें सामने आ चुकी है आपके। इन गिवन ऑप्शन में से लिस्मानिया डोनोवनी किस डिजीज़ को कोज करने का काम करता है। तो 90th क्वेश्चन हमारा इसका आंसर हो जाए काला आजार। बार बार बता चुके हैं काला आजार इसका आंसर राइट होगा। तो यहाँ पर आंसर करेंगे हम काला आजार, हम बता चुके हैं ये एक प्रोटोजोन है फ्लेजिलेटेड, और किसके थ्रू ये जो है इंड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर, इन्फेक्टेड करता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कैरियर फ्लाई होती है, जिसका नाम क्या होता है, सैंड फ्लाई होता है, सीसी फ्लाई नहीं होता। क्या होता है, सैंड फ्लाई। सीसी फ्लाई से क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा होता है, ट्रिप्नोसोमेसिस होता है, यानी स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो सैंड फ्लाई से क्या होगा, काला आजार डिजीज कोज हो जाएगी। ये सैंड फ्लाई एक कैरियर की तरह काम करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 91st क्वेश्चन है, 91 क्वेश्चन है। तो 91वां क्वेश्चन यानी 91st क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। गिवन ऑप्शन में से किन में ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मिलता है, आपको अच्छे से पता है कि लिजार्ड, टोड, यानी जो टोड किस में आता है, एम्फीबियंस में आता है, लिजार्ड किस में आता है, रेप्टाइल्स में आता है। तो इन दोनों में ही क्या मिलता है, क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम मिलता है, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मिलता है। अर्थवर्म में भी क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मिलता है, लेकिन कॉकरोच में ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मिलता है ना। तो आप किसको टिक करेंगे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कॉकरोच हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन है हमारा, कहता क्या है, इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू बोर्न बेबी द सेल्स विच विल नॉट फॉर्म आर। गिवन ऑप्शन में से कौन सा सेल नहीं बनेगा अगर थाइमस को रिमूव कर दिया जाए, अगर थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए एक न्यू बोर्न बेबी में से, जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया है, तो उसमें से अगर थाइमस ग्लैंड को ही रिमूव कर दे तो क्या होगा। तो भैया टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनेगी, थाइमस ग्लैंड किसको बनाती है, टी लिम्फोसाइट्स को बनाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या, टी लिम्फोसाइट्स, ये आंसर हमारा राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली फ्रॉम या ओनली थ्रू। तो माउथ से नहीं लेगा भैया खाना, माउथ
सकर, सकर का काम क्या होता है, वो तो एडहेसिव में काम करता है, अच्छे पकने अटैचमेंट होने में काम करता है। तो इसकी जो बॉडी सरफेस होती है वो एब्जॉर्प्शन करती है फूड का, न्यूट्रिएंट का, इंटेस्टाइन में पड़ी रहती है। टीनिया सोलियम जिसको कहते हैं, टेपवर्म है, प्लेटी हेलमेंथीज का मेंबर है, आपको पता है अच्छे से ये प्लेटी हेलमेंथीज का मेंबर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाना चाहिए, बॉडी वॉल, जो बॉडी सरफेस या बॉडी वॉल सरफेस के थ्रू ही अपने खाने को लेती है अपने होस्ट से, उस मतलब ह्यूमन की इंटेस्टाइन में से। तो आंसर हो जाएगा बॉडी वॉल, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 94th क्वेश्चन है हमारा। तो 94th क्वेश्चन क्या कहता है कि सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। आप जानते हैं कि सिल्क बनता है और कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स है जिनके अंदर सिल्क ग्लैंड्स होती है, और सिल्क ग्लैंड्स किन की मॉडिफिकेशन होती है बेटा, वो सेलिवरी ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन होती है। तो आंसर हमारा फर्स्ट नंबर या फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेलिवरी ग्लैंड्स इसका आंसर राइट हो जाएगा। इनको हम लेबियल ग्लैंड भी कहते हैं, जो मॉडिफाइड होकर सिल्क ग्लैंड ऑफ द लार्वा बनाती है, तो वहीं से हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, ऐसा सभी को मालूम है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 95th क्वेश्चन हमारा है। और 95th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 95th क्वेश्चन में दिया है कि हॉर्मोन दैट कॉजेज द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगिंस टू सकल इज कॉल्ड। बेबी जब फीडिंग करता है ब्रेस्ट को, तो वहाँ पर मिल्क इजेक्शन का काम कौन सा हार्मोन करता है, मिल्क इजेक्शन का काम कौन सा हार्मोन करता है, ये यहाँ पर बताना है। तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन के दौरान ये ब्रेस्ट पर एक्ट करता है, और यूट्रस ऑर्गन्स और ब्रेस्ट दोनों के लिए ये केमिकल मैसेंजर का काम करता है इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर ये केमिकल मैसेंजर का काम करता है, किन के लिए, ब्रेस्ट के लिए और यूट्रस ऑर्गन्स के लिए, जब चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन के दौरान। तो इसलिए इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन यानी फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। और आप प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में भी जानते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, इनके लिए ये यूज होता है हमारी मतलब ह्यूमन फीमेल की बॉडी के अंदर, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं, 96 क्वेश्चन हमारा आ गया है। और 96 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल स्टेम ऑफ इक्विसीटम। इक्विसीटम एक टेरिडोफाइट है, और आप जानते हैं कि ये एक जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करने वाला टेरिडोफाइट है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं बायोलॉजी से जुड़े हुए, वो चाहे TGT, PGT, GIC या LT ग्रेड हो या नीट एग्ज़ाम वाले बच्चे हों, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विसीटम प्लांट के ऊपर क्वेश्चन मोस्टली आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में बताना है कि एरियल स्टेम जो इक्विसीटम का है, इनमें से क्या शो करता है गिवन ऑप्शन में से। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ रिजिज एंड फरोज दोनों होते हैं, इसलिए तो जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करता है। तो थर्ड ऑप्शन राइट है, बोथ रिजिज एंड फरोज, ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट होती है इसके एरियल स्टेम के अंदर। और इक्विसीटम को ध्यान रखना है, इक्विसीटम को हम क्या कहते हैं, इसको हम हॉर्स टेल फर्न भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल फर्न भी कहते हैं। और ये जो रिजिज और फरोज दिए ना, ये लॉन्गिट्यूडिनली डेवलप होती है इक्विसीटम के एरियल स्टेम के अंदर। तो ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 97 क्वेश्चन है हमारा। 97 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कैरिनल कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसीटम। इन जो इक्विसीटम स्टेम है उसके अंदर कैरिनल कैनाल्स मिलती है। तो इन गिवन ऑप्शन में से किस पार्ट में मिलती है, वैस्कुलर बंडल्स, कॉर्टेक्स, पिथ और ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इक्विसीटम स्टेम के, उनमें प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और डिजेनरेट होकर प्रोटोजाइलम लैक्यूना बनाते हैं,
वो जो लैक्यूनास ने बनाया प्रोटोजाइलम ने डिजनरेट होकर, वो एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी को कैरिनल कैनाल कहते हैं, कैरिनल कैनाल उसी को कहते हैं। तो किन में डेवलप हुआ? वैस्कुलर बंडल्स में डेवलप हुआ, ध्यान रखना है आपको। और एक बात आपको और याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इक्विसिटम के अंदर किस टाइप का जो वैस्कुलर बंडल होता है वो मिलते हैं, किस टाइप की स्टील मिलती है, तो साइफोनो स्टील मिलती है उनके अंदर। ये साइफोनो स्टील के अंदर क्या होता है कि जाइलम का जो रिंग होता है वो सराउंडेड होता है किससे? फ्लोएम के रिंग से। तो ये ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 98th क्वेश्चन हमारा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो मैंने भी बताया वैस्कुलर बंडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन 98 हमारा क्या कहता है? विच वन इज जीरोफाइट। अरे गिवन ऑप्शन में से कौन जीरोफाइट है? तो मैंने अभी तो बताया था आपसे, भी मार्शीलिया है, वो फर्न है, उसकी दोनों स्पीसीज मिलती है, एम्फीबियस प्लांट की तरह काम कर जाता है, ये पानी में भी होता है, मोस्टली मड में हो जाता है, या कभी कभी टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी ये ग्रो हो जाता है। एजोला एब्सोल्युटली एक्वेटिक है, एक्वेटिक फर्न कहते हैं इसको, है ना। तो एक साल्विनिया, वो भी एक्वेटिक फर्न है, साल्विनिया प्लांट। एजोला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोटिकली अरेंज हो जाता है किसके साथ में? साइनोबैक्टेरिया के साथ में। साइनोबैक्टेरिया का नाम क्या है? एना बिना, आपको पता है अच्छे से। उसकी लीव्स में रहता है और उसको नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसके लिए बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहता है। ये सारी कहानी आपको पता है, पता होना चाहिए। लेकिन हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो जीरोफिटिक करेक्टर को शो करने वाला कौन है? इक्विसिटम है। आंसर क्या हो जाएगा? इक्विसिटम। इक्विसिटम क्यों हो जाएगा? अभी बता देते हैं। इक्विसिटम इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें एक तो रिजिज और फरोज बनती है लॉन्गिट्यूडिनली, एक इसकी एपिडर्मल सेल्स के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे जो ट्रांसपिरेशन होता है उसकी रेट कम हो जाती है, पानी को कम लॉस करेगा, सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है एपिडर्मल सेल्स के ऊपर। दूसरे, इनमें सनकेन स्टोमेटा मिलते हैं इसकी लीव्स में, और स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस मिलता है इनमें, और रिड्यूस्ड स्केली लीव्स मिलती है, और इनका स्टेम फोटोसिंथेटिक होता है। ये सारे फीचर्स जीरोफिटिक करेक्टर को डिफाइन करने का काम कर रहे हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इक्विसिटम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? 99th क्वेश्चन है। क्या कहता है? द लिटिल क्लब मॉस इज द कॉमन नेम फॉर। गिवन ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो लिटिल क्लब मॉस के नाम से फेमस है? अरे क्लब मॉस तो सुना है, किसको कहते हैं? लाइकोपोडियम को कहते हैं। लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं? क्लब मॉस कहते हैं। इक्विसिटम को क्या कहते हैं? हॉर्स टेल फर्न कहते हैं। मार्शीलिया को क्या कहते हैं? वाटर क्लोवर कहते हैं। लेकिन सिलिजिनेला को हम स्पाइक मॉस कहते हैं, और इसी को ही हम लिटिल क्लब मॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल क्लब मॉस भी हम इसी को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या, सिलेजिनेला। ये भी एक टेरिडोफाइट है, प्रिमिटिव टेरिडोफाइट की कैटेगरी में आता है। इनमें प्रोटो स्टील्स होते हैं, पित नहीं होता, ऐसे स्टील्स इनमें मिलते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100th क्वेश्चन है। तो 100th क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियस प्लांट। गिवन ऑप्शन में से कौन एम्फीबियस प्लांट है, मतलब कौन पानी में भी रह सकता है मडी एरियाज में, और कौन सोयल की सरफेस से बाहर आ जाता है, और सोयल के अंदर उसकी रूट्स या राइजॉइड्स होते हैं, और ऊपर इसका स्टोर सिस्टम ग्रो कर जाता है। मतलब आप जानते हैं कि अगर हम ब्रायोफाइट्स की बातें करते हैं तो वहाँ पर रूट्स तो नहीं होती, वहाँ पर राइजॉइड्स होते हैं, तो रूट का काम राइजॉइड्स को करना होगा। तो इन गिवन ऑप्शन में से आप देखते हैं कि एम्फीबियस प्लांट कौन करेगा, तो टेरिडोफाइट यहाँ पर नाम दिए हैं कई सारे, लेकिन मार्शीलिया भी एक टेरिडोफाइट है, उसमें रूट्स भी होती है, स्टेम भी होता है, लीव्स भी होता है, और लाइकोपोडिया, पोडियम और सिलिजिनेला दोनों प्रिमिटिव प्लांट है, और मार्शीलिया जो है एक एडवांस प्लांट है। मार्शीलिया को हम फर्न कहते हैं, और मार्शीलिया में एम्फीबियस कंडीशन मिलती है, ये दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकता है। आंसर ही राइट हो जाएगा 100th का, क्या मार्शीलिया थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 101 की ओर। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ओब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन। गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पास मल्टी सेलुलर राइजोइड्स मिलते हैं, वो भी ओब्लिक सेप्टा के साथ में? तो आप देखते हैं कि रिक्शिया जैसे प्लांट में जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मर्केंसिया में भी यूनिसेलुलर होते हैं, जब फ्यूनेरिया की बात आती है तो फ्यूनेरिया में मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं, और साथ में ओब्लिक सेप्टा भी होता है। तो यही आंसर इसका राइट हो जाएगा, कौन सा? फ्यूनेरिया, इसको मॉस भी कहते हैं। ये ब्रायोफाइटा क्लास का मेंबर है, यानी एडवांस क्लास का मेंबर है ब्रायोफाइट्स की। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिक्शिया इज एक्वेटिक। इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सी स्पीसीज रिक्शिया की एक्वेटिक है? बाकी कहाँ ग्रो करती है? मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करती है ना। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो पानी के ही
अंदर ग्रो करती है। आप अच्छे से पता है कि जो रिक्शिया है वो या ब्रायोफाइट्स है, जो भी अदर ब्रायोफाइट्स है, वो सभी क्या है, एम्फीबियस प्लांट्स कहलाते हैं। दैट्स मीन दे ग्रो इन वाटर एंड लैंड। बट यहाँ पर जो टोटली एक्वेटिक नेचर वाली स्पीसीज है, ऐसी कौन सी स्पीसीज है, तो एक ही आंसर राइट आएगा, सुरट लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या आएगा, रिक्शिया फ्लूटेंस, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। तो टिक करेंगे रिक्शिया फ्लूटेंस को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 103 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा आ गया है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोशियस स्पीसीज, गिवन ऑप्शन में से कौन सी स्पीसीज डायोशियस है। डायोशियस किसे कहते हैं ये मालूम होना चाहिए। मोनोशियस उनको कहते हैं जब बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट या सेम बॉडी, उसे हम मोनोशियस कहते हैं। जब डायोशियस की बात आती है तो व्हेन मेल एंड फीमेल प्लांट बिकम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जब मेल बॉडी अलग होती है फीमेल बॉडी अलग होती है, तो ऐसी बॉडी को हम डायोशियस बॉडी या डायोशियस स्पीसीज कहते हैं। तो ऐसी दो ही स्पीसीज है जो रिक्शिया में आती है जो डायोशियस स्पीसीज की कंडीशन को फॉलो करती है। तो एक तो है रिक्शिया हिमालयंसिस और एक है, लिख देना इसको, ऑप्शन में नहीं है वो, एक तो रिक्शिया हिमालय, इसका आंसर क्या होगा, रिक्शिया हिमालयंसिस होगा, हिमालय पर होती है। एक और इसकी वैरायटी है, वो स्पीसीज है, क्या है वो, रिक्शिया डिस्कोलर, वो क्या है, रिक्शिया डिस्कोलर। तो ये भी एक डायोशियस स्पीसीज है रिक्शिया की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 104th क्वेश्चन हमारा है, 104th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लोइड, गिवन ऑप्शन में से फ्यूनेरिया का कौन सा पार्ट हैप्लोइड है। ऑप्शन गिवन है कैलिप्ट्रा, ओपरकुलम और कोलुमेला एनुलस। तो आप देखते हैं कि जो फ्यूनेरिया है वो एक ब्रायोफाइट है, मॉस कहलाता है, और आप देखते हैं कि ओपरकुलम एनुलस कोलुमेला ये सभी जो पार्ट है ये इसके स्पोरोफाइट में आते हैं। इसमें आते हैं स्पोरोफाइट में आते हैं और सभी फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, यानी ट्वेन सेल से बनते हैं। तो समझिए डिप्लोइड है, और डिप्लोइड है तो स्पोरोफिटिक इन नेचर है। लेकिन कैलिप्ट्रा जो है वो आर्चिगोनियम की जो वेंट्रल लेयर है, आर्चिगोनियम क्या है, हैप्लोइड इन नेचर है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है फ्यूनेरिया के अंदर, उसी जो बॉटम पर आर्चिगोनियम की वेंट्रल लेयर होती है, उस वेंट्रल लेयर को हम वेंटर भी कहते हैं। तो वेंटर यहाँ पर मल्टी लेयर होता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। तो ये कैलिप्ट्रा क्या है, ये हैप्लोइड है, गैमेटोफिटिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 104 का फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। तो हम किसको टिक करेंगे, कैलिप्ट्रा को टिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 105th क्वेश्चन, क्या कहता है, एंथीरोजॉइट्स ऑफ रिक्शिया आर, अरे रिक्शिया के एंथीरोजॉइट जो होते हैं जिनको मेल गैमेट्स भी कह सकते हैं या स्पर्म सेल्स भी कह सकते हैं, वो उनकी मोटिलिटी किस टाइप की होती है, वो किस टाइप के गैमेट्स या स्पर्म्स होते हैं। तो रिक्शिया के एंथ्रोजॉइट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बाई फ्लेजिलेट होते हैं। आंसर क्या राइट हो जाएगा, आंसर क्या राइट हो जाएगा, बाई फ्लेजिलेट आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 106th क्वेश्चन हमारा आ गया है। 106th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आर ट्रेडोफाइट विद विच फिक्सिस नाइट्रोजन इज, आर ट्रेडोफाइट विच फिक्सिस नाइट्रोजन इज, ऐसे ट्रेडोफाइट का नाम बताना है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, एजोला, साल्विनिया, टेरिस, सिलेजिनेला। तो आपको एक बात मैंने पहले भी बताई है कि एजोला एक ऐसा एक्वेटिक फर्न ऑफ टेरिडोफाइट है जो सिम्बायोटिकली रिलेशनशिप मेंटेन करता है साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी से, हम नीली हरी शैवाल कहते हैं उसके साथ में, कौन से नीली हरी शैवाल के साथ में, उसका नाम है एनाबिना। तो पूरा नाम हो जाएगा उस रिलेशनशिप का, एजोला एनाबिनी। ये जो एनाबिना है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एजोला प्लांट की लीव्स में रहता है और उनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, क्योंकि इनके अंदर हिट्रोसिस्ट होते हैं जो एक एंजाइम रिलीज करते रहते हैं नाइट्रोजिनेज, वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फिक्सिंग नाइट्रोजन करने वाला कौन है, एजोला है। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एजोला आंसर इज करेक्ट आंसर। चलते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 107th क्वेश्चन हमारा 107th क्वेश्चन क्या कहते हैं, चिलगोजा अ ड्राई फ्रूट इज अ स्पीसीज ओ। चिलगोजा के सीड को एज ए ड्राई फ्रूट की तरह यूज किया जाता है, माना जाता है। हमने ये नहीं कहा कि फ्रूट है, इट इज़ नॉट फ्रूट, इट इज़ द सीड, क्योंकि फ्रूट तो होता ही नहीं है। पाइनस में फ्रूट नहीं होता, पाइनस क्योंकि जिम्नोस्पर्म है। और चिलगोजा किसे कहते हैं, पाइनस जिराडियाना को कहते हैं, ध्यान रखना, लिख लेना कहीं पर, पाइनस जिराडियाना को कहते हैं। पाइनस जिराडियाना यानी पाइनस की स्पीसीज है। चीड़ का पेड़ जो होता है वो भी पाइनस होता है, इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती है। पाइनस वेलेचियाना, उसको केल कहते हैं, केल की लकड़ी आपने सुना होगा। पाइनस लोंगीफोलिया है ना, पाइनस जिराडियाना, तो ऐसे नाम आपने सुने होंगे। तो पाइनस जिराडियाना के सीड को चिलगोजा भी कहते हैं, और इसको एज ए ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है। तो पाइनस की वैरायटी ऐसी है, आंसर क्या हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 108th है। 108th क्वेश्चन क्या कहता है, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिलस इज प्रजेंट। मतलब जो साइकस का माइक्रोफिलस है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम की प्रजेंस है, पोजिशन है, वो किस सरफेस पर है, ऊपर वाले सरफेस पर है या नीचे वाले सरफेस पर है, या मार्जिन साइड पर है या एक्जिल साइड पर है। तो भैया यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पहले ऊपर सरफेस कौन है इनमें से और नीचे वाले सरफेस कौन है। एडैक्जियल सरफेस का जब नाम आता है तो उसे अपर सरफेस बोलते हैं, और जब अबैक्जियल ए बी अबैक्जियल सरफेस जब आती है तो उसे लोअर सरफेस कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो साइकस माइक्रोस्पोरोफिल के एबैक्जियल सरफेस या एबैक्जियल साइड पर मिलता है, जिसको एबैक्जियल साइड को हम लोअर सरफेस कहते हैं। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑन एबैक्जियल साइड, ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो आर क्यू स्टैंड्स करती है किसके लिए करती है। आपको पता है आर क्यू के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट, उसको उसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं। आप ये भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट का आर क्यू हमेशा 1 होता है। आप CO2 के वॉल्यूम को O2 के वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, आर क्यू मिल जाएगा, रेस्पिरेटरी कोशेंट मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का हमेशा 1 होता है, फैट का 0.07 तक होता है, और प्रोटीन का 0.8 या 9 तक हो जाता है, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान वो इनफाइनेटिव होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आर क्यू डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट क्या है, तो नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है कि वो अल्कोहल है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है या डाइट है। तो इन सभी के बारे में पता चलता है, उसी के ऊपर चेंज होती है कौन, आर क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या, सॉरी हाँ, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आंसर हमारा राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज मोर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 110th क्वेश्चन है, विच थ्योरी एक्सप्लेन ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर ATP सिंथेसिस होता है, लेकिन नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा थ्योरी है जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि ATP सिंथेसिस इनमें होता है। तो आप एक बात जानिए, कौन सी बात जानेंगे, आप एक बात जानेंगे कि जो ATP फॉर्मेशन है, आपको पता होगा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम या ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो ये जो ATP फॉर्मेशन है, आपने ये नाम सुना होगा ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स आर प्रजेंट विच हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, आई मीन टू से हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ATP फॉर्मेशन। और दिस आइडिया वॉज गिवन बाय मिटचेल, और थ्योरी का नाम क्या है, मिटचेल केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, उन्होंने इसको डिफाइन किया, मिशेल ने, इनको मिशेल भी कह सकते हैं, लिखेंगे क्या मिटचेल, बोलेंगे क्या मिशेल केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ये इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है ATP सिंथेसिस फॉर्मेशन को। तो क्लोरोप्लास्ट में भी CF1 पार्टिकल होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल्स होते हैं, तो दोनों के थ्रू ही ETS कंडक्ट होता है। तो
तो दोनों के लिए थ्योरी एप्लीकेबल है। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 111 क्वेश्चन हमारा है, 111 यानी 111 क्वेश्चन हमारा है। 111वां क्वेश्चन क्या कहता है, द वुड ऑफ पाइनस इज, पाइनस की वुड कैसी होती है। ध्यान रखो, एक साइकस प्लांट का नाम सुना होगा, एक पाइनस का नाम सुना होगा, ये दोनों ही जिम्नोस्पर्म्स है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये TGT, PGT, GIC या LT या नीट एग्ज़ाम, इन सब में ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पहले बात पता होनी चाहिए कि पिकनोजाइलिक वुड क्या होती है और मैनोजाइलिक वुड क्या होती है। जिम्नोस्पर्म में कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल जो आपके सिलेबस में हैं, कौन से सिलेबस में हैं, जिम्नोस्पर्म में दो प्लांट सिलेबस में हैं, कौन कौन से, साइकस एंड पाइनस। तो साइकस और पाइनस में रेस्पेक्टिवली मैनोजाइलिक और पिकनोजाइलिक वुड मिलती है। मैनोजाइलिक वुड उस वुड को कहते हैं जिसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स जाइलम के अंदर ज़्यादा बनती है सेकेंडरी टिश्यूज में। जो सेकेंडरी जाइलम जब डेवलप होता है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान फ्रॉम द कैम्बियम, तो लिविंग सेल्स नंबर में ज़्यादा बनती है, वो कम मैच्योर हो पाती है, कम डेड और लिग्निफाइड हो पाती है। जब मैं बात करता हूँ पाइनस के अंदर, वहाँ पर कंडीशन उल्टी है, वहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम की जो सेल्स है वो ज़्यादा मैच्योर होती रहती है, वो नंबर्स में ज़्यादा भी बनती है। क्यों बनती है ज़्यादा नंबर में, क्योंकि वहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम कॉन्टीन्यूअसली सेकेंडरी जाइलम को बनाता जा रहा है एवरी ईयर। वहाँ पर कोई अलग से कैम्बियम नहीं बनेगा। जब मैं साइकस की बातें करता हूँ तो साइकस में अगेन एंड अगेन एवरी ईयर नए कैम्बियम बनेगा। वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग बना, उसने सेकेंडरी जाइलम को बना, सेकेंडरी फ्लोएम को बना, फिर से जब नया साल आया फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा कौन, कैम्बियम, फिर कैम्बियम दोबारा से बनाएगा किसको, सेकेंडरी जाइलम को, सेकेंडरी फ्लोएम को। तो इसका मतलब बहुत सारे रिंग्स बन जाएंगे, सेकेंडरी जाइलम या वुड कॉन्टीन्यूअसली फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो ये ऐसी वुड क्या कहलाएगी, ये लूज वुड है, ये कॉम्पैक्ट वुड नहीं है, ये लूज वुड है विद हाई नंबर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स इन सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम को अदर वर्ड में क्या कहते हैं, वुड कहते हैं। लेकिन जब हम पाइनस की बातें करते हैं तो पाइनस की वुड ऐसे वुड से मेल खाती है जैसे कि डाइकोट के मेन प्लांट होते हैं, है ना, जैसे डाइकोट के मेन प्लांट होते हैं, जैसे मैंगो है या पीपल है, है ना। तो इनकी वुड बड़ी कॉम्पैक्ट होती है, हार्ड होती है। तो यहाँ पर भी क्या है कि वैस्कुलर कैम्बियम कॉन्टीन्यूअसली सेकेंडरी जाइलम को बनाता जा रहा है और वो हार्ड और कॉम्पैक्ट बनेगी विद हाई नंबर ऑफ डेड लिग्निफाइड टिश्यूज। तो इसलिए इसी वुड को हम कहते हैं पिकनोजाइलिक वुड। तो चीड़ के पेड़ में पिकनोजाइलिक वुड होती है, इसीलिए फर्नीचर बनाने में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत कॉम्पैक्ट वुड है। आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया इसके बारे में, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, दैट मीन्स 112 क्वेश्चन हमारा है। क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज, सबसे छोटा लेकिन लिविंग जिम्नोस्पर्म कौन सा है जो आज भी जिंदा है और सबसे छोटा है, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा है। तो ऐसा इनमें से कौन सा है, जैमिया पिग्मिया, पूरा नाम क्या, जैमिया पिग्मिया, PYGMAEA, जैमिया पिग्मिया, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, हम फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, ये स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है 113 यानी 113 क्वेश्चन हमारा है, पोलिनेशन इन पाइनेसिज। अरे पाइनेस तो छोड़ो, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में ओनली वन मैथड ही होता है, किसका, फॉर पोलिनेशन, परागण की क्रिया का एक ही मैथड होता है, विंड पोलिनेशन बाई एयर। और बाई एयर होने वाले पोलिनेशन को क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। तो कैसे टाइप का होगा, एनिमोफिली होगा तो एनिमोफिलस कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, एनिमोफिलस, यानी पाइनस में भी बाई एयर या बाई विंड पोलिनेशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 114 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कितनी बार आ चुका है। इसमें पूछा है कि इनमें से बताइए जो गिवन ऑप्शन है वो लिविंग फॉसिल कौन है। तो जिंगो बाइलोबा है, किस ऑर्डर का मेंबर है, जिम्नोस्पर्म है, और किस ऑर्डर का मेंबर है, ये जिंगो एल्स, एक ऑर्डर है जिंगो एल्स, इसी के नाम से नाम पड़ा है जिंगो, दो लीप की वजह से बाइलोबा वाला, दो लोब वाली। तो जिंगो बाइलोबा इज अ लिविंग फॉसिल, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंगो बाई लोबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, 115 क्वेश्चन, द विंग ऑन सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप्ड फॉर्म। जो पाइनस का सीड होता है
उस पर जो विंग होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले तो ये सोचो कि सीड किससे बनता है, सीड किससे बनता है, सीड बनता है ओव्यूल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब खुद माइंड लगाओ, सीड यानी ओव्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ओवलीफेरस स्केल के अंदर प्रेजेंट है, तो विंग्स भी वहीं पर डेवलप होंगे कि नहीं होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओवलीफेरस स्केल। तो हमारा फोर्थ आंसर इज करेक्ट, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 116th क्वेश्चन है, और 116th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स गिवन ऑप्शन में से क्या, ओवरीज विद फ्यूज्ड स्टिग्मास, ओवरीज विद फ्यूज्ड स्टाइल्स, अ सिंगल कार्पल, द वर्ल्ड ऑफ कार्पल्स। अरे ये जरूरी थोड़ा ना होता है कि एक गाइनोशियम के अंदर एक ही कार्पल हो, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब एक होगा तो गाइनोशियम में ऐसी ओवरी को हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी, दो होंगे तो बाईकार्पलरी, तीन होंगे तो ट्राई टेट्रा पेंटा, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं, पॉलीकार्पलरी। तो जरूरी थोड़ा ना कि एक ही होगा, मोर देन वन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो जो भी मान लीजिए मोर देन वन हो, तो यानी जितना भी है जो पूरा वर्ल्ड है कार्पल्स का, चाहे उसमें दो है या चार है या दस है या एक है, जो पूरा वर्ल्ड है कार्पल का, उस पूरे को हम गाइनोशियम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 116th का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ आंसर इज करेक्ट, द वर्ल्ड ऑफ कार्पस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियोसिया प्लांट इज अ, नियोसिया जो प्लांट है बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट है, इसको ह्यूमस प्लांट भी कहते हैं, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसको ह्यूमस प्लांट भी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बेचारा फूड का फॉर्मेशन अपने आप नहीं कर सकता, ये फोटो ऑटोट्रोपिक प्लांट नहीं है, ये सेप्रोफिटिक प्लांट है, डेड एंड डिकिंग पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स पर ग्रो करता है, नियोसिया कहते हैं इसे, समझें। तो क्या होना चाहिए, नियोसिया प्लांट इज अ सेप्रोफिटिक होना चाहिए, समझें, सेप्रोफिटिक होना चाहिए इसका आंसर। तो नियोसिया जो प्लांट है इसको बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड भी कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 118th क्वेश्चन देखते हैं, अ प्लांट विच नीड्स नॉट लेस देन 10 आवर्स ऑफ लाइट टू फ्लावर शुड बी अ। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गिवन ऑप्शन में से वो कौन से प्लांट होंगे जो 10 घंटे से कम लाइट को पसंद नहीं करते, यानी कम से कम 10 घंटे तो उनको लाइट चाहिए ही चाहिए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अरे 10 घंटे की लाइट का मतलब क्या हो गया भैया, दे वॉन्ट दे रिक्वायर लॉन्ग क्रिटिकल डे कंडीशन, ये ज़्यादा समय का क्या चाहते हैं, ज़्यादा समय का क्या चाहते हैं, डे कंडीशन चाहते हैं। तो जब ज़्यादा टाइम तक उनको डे कंडीशन चाहिए, लाइट चाहिए, तो इनको क्या बोलेंगे, लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखते हैं कि जो मैंने अभी लॉन्ग डे प्लांट की बात की है, तो 10 से 14 15 घंटे तक की लाइट इनको चाहिए, और जैसे वीट प्लांट है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 109th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट जो 109th क्वेश्चन है वो कहता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट टेक्स प्लेस मेनली बाई, तो सेल एनलार्जमेंट इसका आंसर आना चाहिए। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, कि जो ऑक्सीजन हॉर्मोन्स है, जो ऑक्सीजन हॉर्मोन्स है वो सेल एनलार्जमेंट करता है, क्योंकि वो इंक्रीज कर देता है किसको, रेस्पिरेशन की रेट को। जब सेल की रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी, तो जो सेल वॉल है उसको वो लूजनिंग प्रोवाइड कर देगा, लूजनिंग टू द सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मोर सब्सटेंस एंटर इनटू द सेल। जब मोर सब्सटेंसेस एंटर करेंगे सेल के अंदर, तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी, और रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज होने से आप कहेंगे कि सेल टर्जिड हो जाएगी, और सेल टर्जिड होने से क्या होगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। तो सेल एनलार्जमेंट में ट्रॉपिक मूवमेंट, सेल एनलार्जमेंट जो आपको शो करता है वो ट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, तो इसी को आप आंसराइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ट्रॉपिक मूवमेंट टेक्स प्लेस मेनली बाई सेल एनलार्जमेंट, तो ट्रॉपिक मूवमेंट में सेल एनलार्जमेंट जरूरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 120th क्वेश्चन, बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने मेरी
एक वीडियो में मैंने वहाँ पर एक टॉपिक पर मैंने क्विज कराई है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मेरी चल रही है बायोनीटा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, उसमें हम टॉपिक वाइज अपनी सीरीज को चला रहे हैं। उसमें हम वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है, चाहे नीट के क्वेश्चंस है या यूपीएससी के क्वेश्चंस है या पीजीटी टीजीटी जीआईसी के क्वेश्चंस है एलटी के क्वेश्चंस है। तो उन अच्छे क्वेश्चंस को हमने मिक्स करके एक बहुत अच्छा सा सीरीज बनाया है और उसको हम टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं बार बार, और उसका लगभग 4 पार्ट निकल गए हैं उसके। तो उन्हीं 4 पार्ट में से मैंने एक पार्ट कराया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लिविंग वर्ल्ड के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने ये बातें डिस्कस की है। वहाँ पर कई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है। तो आप प्लीज़ उस वाली वीडियो को भी देखेंगे, वहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पर भी हम इसको बात को डिस्कस कर देते हैं कि जो सेमी स्पीसीज होती है, देखिए जो अगर हम सीबलिंग स्पीसीज की बातें करें तो सीबलिंग स्पीसीज जो होती है बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है, विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। बट यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है, बॉर्डर लाइन केसेज बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। तो स्पीसी और सब स्पीसीज के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेमी स्पीसीज। क्या आंसर देंगे, सेमी स्पीसीज आंसर इसको हम देंगे, हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 121 है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड इज, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो प्रिंसिपल फूड क्रॉप मानी जाती है वो कौन मानी जाती है। अगर आपसे एशिया में पूछे तो एशिया में कौन होगा, राइस होगा। बट यहाँ पर वर्ल्ड के बारे में पूछा है कि वर्ल्ड में प्रिंसिपल फूड क्रॉप कौन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा वीट। वीट यानी गेहूँ की जो क्रॉप है उसको हम क्या मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में प्रिंसिपल फूड की क्रॉप मानते हैं। तो ऑप्शन सी ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट राइट, तो हम फर्स्ट को टिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 122 क्वेश्चन हमारा आ रहा है, फंजाई आर ऑलवेज, क्या होगा। देखिए फंजाई जो होती है वो पैरासिटिक नेचर वाली भी होती है, मतलब वो प्लांट्स को एनिमल्स को ह्यूमंस को डिजीज कोज कर सकती है, वो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पर भी ग्रो कर सकती है, तो उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, और वो सिम्बायोटिकली भी एसोसिएशन शो कर सकती है। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि दे कैन नॉट फॉर्म फूड देमसेल्फ बिकॉज दे हैव नो क्लोरोफिल्स, तो इसलिए क्या नाम आ जाएगा, दे आर हेटरोफाइट्स। क्या होंगे, हेटरोफाइट्स इसका आंसर करेक्ट होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 123 क्वेश्चन हमारा आ रहा है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रेस्पिरेशन इज, जो लाइकेन है लाइकेन में इन गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन में या ब्रीथिंग में हेल्प करता है, तो इसीडियम सोरीडियम सिफोलोडियम सिफेलिया। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब लाइकेन की स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो लाइकेन के स्ट्रक्चर में जो कॉर्टेक्स होता है, तो कॉर्टेक्स के जो लोअर कॉर्टेक्स है उसके ऊपर लाइकेन के कॉर्टेक्स में जो लोअर पार्ट होता है उसके ऊपर ही कुछ स्पेसिफिक एरेटेड एरियाज होते हैं जिनको हम सिफेलिया कहते हैं, वो सिफेलिया ही एरेशन में या गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 124th क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम ऑफ पैडी फील्ड, मतलब क्रॉप फील्ड में साइनोबैक्टीरियम कौन सा है गिवन ऑप्शन में से जो नाइट्रोजन को कॉमनली फिक्स करता है इस तरह के फील्ड में या पैडी फील्ड में या राइस के फील्ड में, तो आंसर हो जाएगा अवलोसीरा। अवलोसीरा में हीट्रोसिस्ट होते हैं, हीट्रोसिस्ट से एक एंजाइम निकलता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है और एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो ओलोसीरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लू ग्रीन एल्गी, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आंसर इज ओलोसीरा, सेकंड ऑप्शन इज मोर करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन। देखिए बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर या अदर एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, लेकिन वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो जाती है अंदर की ओर साइटोप्लाज्म में। जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। तो मोस्टली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। तो मीजोजोम्स का जो काम होता है वो ऐसे काम करता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। तो मतलब जो भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होता है वो यहीं पर लोकेट करते हैं। तो आंसर हमारा राइट हो जाना चाहिए, मीजोजोम। तो करेक्ट आंसर इज मीजोजोम, दैट इज़ द थर्ड ऑप्शन, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे समझेंगे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और मैंने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो मोर देन वन क्वेश्चन को आपको सेटिस्फाई करेगा। और आप लास्ट ईयर्स के पेपर्स ज़रूर करेंगे क्योंकि वो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नया पेपर लेकर आएंगे विद एक्सप्लेनेशन। और अंत में सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ना, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।